डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वट इज़ सोशल साइंस रिसर्च और इन सिंपल वर्ड वट इज़ अ रिसर्च इन सोशल साइंस तो रिसर्च को अगर हम डिफ़ाइन करें सादा लफ्जों में तो रिसर्च एक प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू हम नॉलेज एक्वायर करते हैं अबाउट द वर्ल्ड ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम एक सिस्टमेटिक वे से कंडक्ट करते हैं और इसमें ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होती है और इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं इन तीन बुनियादों की बेसिस पे हम जो है कोशिश करते हैं कि दुनिया के मुतलक जानें और दुनिया के मसाइल के मुतल समझने की कोशिश करें यूँ तो हम ये कह सकते हैं कि हर शख्स जो है जो माशरे का हिस्सा है वो ऑब्ज़र्व करता है उसके पास कुछ ना कुछ डेटा भी होता है मगर रिसर्च उन चीज़ों से कैसे मुख्तलिफ है रिसर्च uh, में जब हम ऑब्ज़र्वेशन uh, करते हैं तो हम एक तयशुदा असूलों के तहत ऑब्ज़र्वेशन करते हैं और जो डेटा भी कलेक्ट करते हैं वो एक तयशुदा असूलों के मुताबिक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च हो क्वालिटेटिव रिसर्च हो या मिक्स मेथड की रिसर्च हो इन तमाम रिसर्च uh, मेथडोलॉजीज़ में कुछ तयशुदा असूल है, uh, हैं कुछ सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं Uh, जिसको एज अ रिसर्चर यू हैव टू फॉलो और वेन यू फॉलो दोज प्रिंसिपल्स यू कंडक्ट आ रिसर्च थ्रू अ सिस्टमेटिक प्रोसेस रिसर्च की अगर हम बात करें विद रेफरेंस टू द सोशल साइंस तो हमें पता चलता है कि जो रीनेसांस का टाइम पीरियड था उसने uh, इसमें बहुत बुनियादी किरदार अदा किया और उसने uh, एक रावार की लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग की उससे पहले तक हम देखते हैं एक जो दौर था यूरोप में जिसको डार्क एजेस ऑफ यूरोप भी कहा जाता है उसमें लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग नहीं थी और बहुत सारी माइथोलॉजीज़ की बेसिस पे जो है डे टू डे अफेयर्स को कंडक्ट किया जाता था मगर जैसे जैसे साइंस का दौर शुरू हुआ और रेनेसांस स्टार्ट हुआ रोशन ख्याली का ज़माना स्टार्ट हुआ और दुनिया की सोशो पोलिटिकल सिचुएशन बदली इंडलस्ट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ अर्बनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्ट फिलासफी के मतलब बात होना शुरू हुई तो आ, आ, जो है लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग की इम्पॉटेंस की बात हुई कि सोशल साइंसेज में भी वही मैथज और वही टेक्निक्स सॉफ्ट होनी चाहिए जो कि साइंसेज में हैं अब आ, जब हम ये कहते हैं कि सोशल uh, साइंस और श, uh, जो है में फॉलो होनी चाहिए साइंटिफिक मेथड्स uh, तो वो क्या हैं uh, जो पहला असूल है साइंटिफिक रीजनिंग uh, का या लॉजिकल रीजनिंग का वो ये है कि uh, जो साइंटिफिक रीजनिंग होती है वो वैल्यू फ्री होती है uh, उसमें आप जो है सब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं करते और दूसरी uh, जो साइंटिफिक रीजनिंग है वो एम्पेरिकल डेटे की बेसिस पे आप ऑब्ज़र्व करते हैं उसमें आप जो है अपनी जो सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन की बात नहीं करते उसमें आप अपने सेलेक्टिव बिलीफ की बात नहीं करते मगर आप जो सोशल इशू है उसको उसका मुशायदा करते हैं और उसके मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं इसी वजह से जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकली तो हमें ये पता चलता है कि 19वीं सदी को और 20वीं सदी को भी सोशल साइंस रिसर्च की सदा सदी कहा जाता है इसमें बहुत सारे सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन इमर्ज हुए और इस्टेबलिश हुए जिसमें सोशोलॉजी है एंथ्रोपोलॉजी है इकोनॉमिक्स है पॉलिटिकल साइंस है इंटरनेशनल रिलेशंस है साइकोलॉजी है और भी बहुत सारे जो सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन इन्हीं आ, पिछले 200 सालों में उनकी इमरजेंस हुई है या वो डेवलप हुए हैं Uh, जैसे कि मैं अगर इस नाइनटीन uh, सेंचुरी की बात करूँ तो इसमें जो जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं सोशल साइंस की हिस्ट्री से तो जैसे कार्ल मार्क्स ने आइडिया uh, दिया क्रिटिकल सोशल साइंस का कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट की बेसिस में इनक्वालिटी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में फिर इमाइल दर ने जो फ्रेंच सोसाइटी में सुसाइड के ऊपर स्टडी की एटीन नाइनटीन सेवेंटी ने नाइन्टी सेवन में uh, वो वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी थी जिसमें इम्पेरिकल डेटा की बेस पे सुसाइड के फोमिन को समझने की कोशिश की आ, मैक्स वेबर ने 1905 में एक बुक पब्लिश की द प्रोटेस्टेंट एथनिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वो भी एक सिग्निफिकेंट काम था जिसमें आ, के एम्पेरिकल डेटा पेश किया गया तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड तो वैसे भी आ, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा उसको सिग्नीफाई करता है कि रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल डाटा विच इज़ कलेक्टेड थ्रू अस्टमेटिक वे और जिसमें आप uh, एक वैल्यू फ्री होकर uh, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं तो अगर हम uh, दोबारा से सोशल साइंस रिसर्च को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल साइंस रिसर्च इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी अक्वायर नॉलेज अबाउट द सोशल वर्ल्ड एंड अनलाइक नेचुरल साइंसिस मल्टीपल एंटोलॉजी एंड पिस्टेमोलॉजी एग्जिस्ट इन सोशल साइंसिस नेचुरल साइंसिस में तो हम एक ही अंटोलॉजी के साथ जाते हैं जो कि लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग की है मगर सोशल साइंस रिसर्च में मल्टीपल अंटोलॉजीज़ एग्जिस्ट करती हैं और अपिस्टमोलॉजीज एग्जस्ट करती हैं जिसके मुतलिक हम जो है आगे डिटेल में बात करेंगे uh, ये uh, मैं आपको uh, जो uh, दिखा रहा हूँ ये कि इसको हम ऑनियन ऑफ रिसर्च भी कहते हैं जो कि आपको बता रहा है कि कैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो इंटोलॉजिकल बिलीफ्स हैं और एपिस्टमोलॉजिकल थ्योरीज हैं वो एक सीड का रोल प्ले करती हैं मेथोडोलॉजी और मेथड्स के आ, को सिलेक्ट करने में और फिर जब आप आपटोलॉजिकल बिलीफ्स की बेसिस पे कोई पिस्टमोलोजी सेलेक्ट करते हैं तो वही आपको बताती है कि आपके मेथड्स क्या होंगे और मेथडोलॉजी क्या होगी और आप कैसे डाटा कलेक्शन करेंगे और इन चीज़ों के बारे में हम आने वाले मॉड्यूल्स में डिटेल में बात करेंगे